प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और निपुण महिलाएं, खासकर भारत की बेटियां। एक तरफ होंगी अंजू पंकज जी, जो बहुत बड़ी पत्रकार है, और दूसरी ओर आप देखेंगे हम सबकी चहेती और हिंदुस्तानी शेरनी दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, और ये दोनों बात करेंगी चुनावों पर। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सबके सब पीएम मोदी के इस भाषण के बाद सबके सब जो विपक्षी कैसे तिलमिला रहे हैं, कपिल सिब्बल पीएम मोदी की तुलना रावण से कर रहे हैं। वो कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला राम मंदिर पर पहले ना सुनाए बाद में सुनाए, वरना बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, अपने मैनिफेस्टो के बारे में उनको विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि उनको समझ में आ गया है कि बात जो है वो सबको पता चल गई है कि आखिर इस हिडन एजेंडे में क्या था मैनिफेस्टो के नाम पर। हाँ बिल्कुल समझ में आ चुका है। देखिए कांग्रेस ने जब जब मोदी जी को ललकारा है और मोदी जी को बेइज्जत करने की कोशिश की है, नुकसान उन्हीं का हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा था ना मौत का सौदा कर, क्या हुआ? राहुल बाबा ने कहा था ना चौकीदार चोर है, क्या हुआ? लालू प्रसाद ने कहा था ना कि उसका तो परिवार ही नहीं है, वो क्या समझे परिवार का दर्द, क्या हुआ? पूरा देश अपने नाम के आगे सोशल मीडिया पर यह लिखा कि मैं मोदी का परिवार। और जब वो मुस्लिम कंट्रीज में गए और दूसरे अन्य कंट्रीज में गए, वहां पर भी विदेशियों ने बोर्ड लगा लगा करके कहा कि मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। तो ये जब भी मोदी जी के ऊपर अटैक करते हैं तब तब नुकसान सिर्फ और सिर्फ इनका ही होता है, कांग्रेस का ही होता है। आप 2014 से आप उठा करके देख लीजिए आंकड़ों को, आप मैं तो कहूंगी कि 2009 से आप आंकड़ों को और ग्राफ को उठा करके देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने अपना हिजाब खोल दिया है। कांग्रेस जो है वो अब हिजाब खोल करके सामने आ चुकी है कि वो बाबर को फॉलो करते हैं, अकबर को फॉलो करते हैं, और असदुद्दीन अवैसी के साथ रजाकार की फौज बन करके कांग्रेस एक साथ हाथ मिला करके भारत को भारिस्तान बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब देश के सनातनियों को नींद से जागने की जरूरत है, देश के सनातनियों को खड़े होने की जरूरत है, देश के सनातनियों को एक बार भगवान राम को पढ़ने की जरूरत है, भगवान कृष्ण को पढ़ने की जरूरत है, और कैसे रावण का वध किया जाता है और कैसे महाभारत किया जाता है ये बताने की जरूरत है देश के सनातनियों को। देखिए मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस और राहुल बाबा और मैनिफेस्टो आपके मंगलसूत्र को झांक रहे हैं, आपके सिंदूर को झांक रहे हैं, आपके पैर के बिछिया को झांक रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सनातनियों का है। और देश के 82.7% सनातनी अगर अब भी वेस्टर्न कल्चर में डूबे हुए हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। जिस दिन भारत पाकिस्तान बनेगा और शरिया से चलेगा उस दिन फिर रोते और बिलखते हुए नजर ना आए, क्योंकि पहली बार भारत में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात कर रहा है। पहली बार भारत में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जिसने हिंदुओं को सनातनियों को उसको उसका वेटिकन दिया है। पहली बार भारत में एक ऐसा सनातनी लीडर खड़ा हुआ है जो भगवान राम को वापस लेकर के आया है। पहली बार भारत में एक ऐसा सनातनी खड़ा हुआ है जो देश का लीडर बन करके ग्लोबल लीडर बन करके खड़ा हुआ है, जो मुसलमान बेटियों को तीन तलाक जैसे कुप्रथा से बाहर निकाला है, जो पॉलीगेमी हलाला जैसे नंगे नाच से बाहर निकाला है। पहली बार भारत में एडुकेशन की मात्रा 79% पहुंची है, और पहली बार फिर से कह रही हूँ कि पसमांदा मुसलमानों को घर से बाहर निकाल करके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात यही देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। अगर वाकई में कांग्रेस मुसलमानों के हित में काम करता तो 50 साल तो चेयर पे बैठे थे ना भैया,
तब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आज भी काहे कह रही है कि हम दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। बिल्कुल, तो लागू तो आज आज कांग्रेस कह रहा है कि नौकरी नहीं दिए। अरे पंचर की दुकान तुमने क्यों खुलवाई, ठेले की दुकान तुमने क्यों खुलवाई, टायर की दुकान तुमने क्यों खुलवाई, पांच मुसलमान एडुकेशन मंत्री बने तब तुमने क्यों नहीं हमारे बाप दादा को आईएएस आईपीएस बनवा दिया, तब तो हम पंचर की दुकान में हमारे हमारे लौंडे काम नहीं कर रहे होते। जब आफताब श्रद्धा की बोटियां करता है तब राहुल बाबा और अवेसी कहां चले जाते हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में नेहा के साथ क्या हुआ, कर्नाटक में नेहा के साथ पूरी कांग्रेस चुप बैठी है। नड्डा, बीजेपी के जो अध्यक्ष है नड्डा, वो वहां पर जाकर मिलकर आते हैं परिवार से, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका ने तो एक शब्द नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टी का पार्षद है जिसकी बेटी की सरेआम हत्या हुई। देखिए प्रियंका वाड्रा की आपने बात निकाली है, प्रियंका वाड्रा मणिपुर गई, आज मैं पूछ रही प्रियंका वाड्रा मणिपुर गई। जब औरत के ऊपर अत्याचार होता है तो औरत का कंधा सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वो तो मणिपुर की गवर्नर थी जो हर घरों में जा करके वो रह भी रही थी, घर भी बसाने की कोशिश कर रही थी और सारी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया भी कर रही थी, क्योंकि औरत है वहां की गवर्नर और उन्होंने दिन रात एक करके वहां के सारी चीजों को नॉर्मल किया। प्रियंका वाड्रा संदेश खाली आई। राजस्थान में एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार गैंगरेप करके भट्टी में जलाया गया, प्रियंका वाड्रा गई नहीं। की सरकार थी, कैसे जाती वो अशोक गहलोत की सरकार थी। तो मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो जनता से पूछ रही हूँ, आप तो लाइव कर रही हैं, मैं तो जनता से पूछ रही हूँ। प्रियंका वाड्रा कश्मीर तब गई जब 370 हट गया तो बर्फ के गोलों के साथ खेलने के लिए गई और कह रही है, दोनों भाई बहन कह रहे हैं चुन्नू मुन्नू, देखिए हम तो कितने सुकून में। अरे सुकून में तब आए जब 370 हट गया, कितने बेवकूफ हो, बेवकूफ हो नहीं, तुम जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे रहते हो। मैं पूछना चाहती हूँ 1989 से 1991 तक में सोनिया गांधी क्या कश्मीर गई, जब कश्मीरी पंडित की बेटियों के साथ नंगा नाच हो रहा था, कहे नहीं गई, जाना चाहिए था ना। अरे टूटी फूटी हिंदी आज तक आप बोल रही है, इटली की फिरंगी औरत जरा और बोल दीजिए, टूटी फूटी हिंदी भी समझ लेते हैं हम लोग बड़े भारत के जितनी भी महिलाएं हैं ना बड़ी तेज तर्रार होती हैं, हम समझ लेते हैं, तो काहे नहीं गई भैया, जाना चाहिए था ना। देखिए प्रियंका वाड्रा एक ऐसी डरपोक औरत है जो गांधी टाइटल लेकर आज तक जीवित है, और कुछ ऐसे जमाई घर जमाई हमारे कलेजे पर दाल मूंगते हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से सिक्योरिटी और बाउंसर लेकर के घूमते हैं, अरमानी और वर्साचे का सूट पहनते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठते हैं और हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और उसी में से एक है रॉबर्ट वाड्रा, जिसने देश के हित में कभी अच्छा नहीं किया, जिसने देश के प्रति कभी कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन अपनी बीवी गांधी परिवार की बीवी मिली है, उसके कंधे पर चढ़ करके सारी सुख सुविधाएं और वीवीआईपी का पूरा वैल्यू उठा रहा है। कौन है रॉबर्ट वाड्रा, क्यों हमारे टैक्स के पैसे पे उसको बाउंसर मिलेगा, मेरे बेटे को भी बाउंसर दो, मेरे बेटे को भी सिक्योरिटी दो, मैं तो रोड पे उतर करके काम करती हूँ, मुझे सिक्योरिटी दो जेड प्लस, मैं तो रोड पर उतर करके काम करती हूँ। तो ये घर जमाई को भी अभी और ज्यादा परेशानी हो गई है, अब ये भी बीच बीच में आकर के न्यूज चैनल पर बात करते हैं, बोलिए जरा घर जमाई को अमेठी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। हाँ एकदम खड़ा हो जाए तब तो मैं दूसरे दिन अमेठी पहुंच जाऊंगी, स्मृति ईरानी दी के पास मैं तो दूसरे दिन पहुंच जाऊंगी, क्योंकि घर जमाई घर में अच्छा लगता है, काम करते हुए बर्तन बर्तन धोता है तो घर जमाई वही अच्छा लगता है, घर जमाई बाहर में इलेक्शन लड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है। पर ये बताइए कि अब विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए पहले चरण में 7% कम वोटिंग हुई तो बीजेपी घबरा गई है, बीजेपी को के लोग बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए, इसलिए पीएम मोदी ने अब दूसरे चरण से पहले ये वाला खुलासा किया, ये पैंतरा किया है, इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया। देखिए मैं अभी मुझे एक याद आ गया, एक बात याद आ गई कि जब पहली बार बंटवारे के बाद जब हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट बन रही थी भारत की गवर्नमेंट, तो बापूजी ने और नेहरू ने मिल करके हिंदुओं को और सनातनियों को खत्म करने की बहुत कोशिश की, और नेहरू जी ने खुद कहा है कि आई एम ब्रिटिश बाय माय एडुकेशन, आई एम मुस्लिम बाय माय कल्चर, आई एम सोशलिस्ट बाय माय बिलीव,
आई एम हिंदू बाय माई एक्सेंट, ये खुद कहा है। ये किताब जिसको जिसको चाहिए होगी बोलिएगा, वो कमेंट करेगा, मैं भेजूंगी। ये किताब पढ़ने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डर गया है कांग्रेस और पूरे विपक्षी दल डर गए हैं, क्योंकि ये जो पॉलीगेमी किया है राहुल बाबा ने कई पार्टियों को लेकर के, जो विवाह रचाया है, जो निकाह किया है, वो इसका चिट्टा मिट्टा खुल चुका है, लोगों को समझ में आ चुका है। कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के साथ वो देश के सनातनियों से वोट ले लेगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी चूक। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया इलाही खान जी ने ना सिर्फ कांग्रेस का हिजाब खोला बल्कि बात की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, और खासकर ये कहा कि अगर मोदी हटे तो हिंदू कटेंगे, यानी ये नुकसान हिंदुओं का है, उनका नहीं, क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला है। और जहां एक तरफ नाज़िया इलाही खान जी ने कहा कि वो भी मोदी का परिवार है और दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से बोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।